और बात अब केदारनाथ धाम की, जहां पर बारिश जारी है और यहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन इसको लेकर अलर्ट भी बना हुआ है। आपको बता दें केदारनाथ धाम में देर रात से ही हल्की बारिश जारी है। बारिश और ठंड में श्रद्धालु दर्शनों की लाइन में लगे हुए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर SDRF के जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं। वहीं सोनप्रयाग में सुबह 4 बजे से हल्की बारिश को देखते हुए सीमित तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया। वहीं मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीर्थ यात्रियों को भारी बारिश में यात्रा न करने को कहा है। और बड़ी खबर उत्तराखंड में मौसम के मिजाज को लेकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में मौसम के विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 मई तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और कहा है कि कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग लगातार हर एक दिन को लेकर मौसम का जो अलर्ट है वो जारी कर रहा है। फिलहाल 26 मई तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की होने की भी संभावना को जाहिर किया है। इसके साथ ही उच्च हिमालयी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी, और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर तेज हवाएं और साथ ही हल्की बारिश की भी संभावना है। तो ऐसे में फिलहाल सभी को अलर्ट रहने के निर्देश मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले ही ये अलर्ट यहां पर जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से 27 मई तक का, 22 से लेकर 27 मई तक का ये अलर्ट था कि इस दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा और तेज हवाएं चलेंगी, हल्की बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना को जाहिर किया था। और ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से कुछ दिन पहले ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था बारिश के चलते, और अब 26 मई को लेकर फिलहाल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जो उच्च हिमालयी इलाके हैं वहां पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ही हल्की बारिश भी है। और उपेंद्र राणा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट, 26 मई तक बारिश और साथ ही बर्फबारी की चेतावनी। देखिए रितु, जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जो है वो जारी किया है कि 26 मई तक जो है उत्तराखंड के कई जिलों में जो है हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी और ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिलेगी। साथ ही तेज हवाओं के आने के अनुमान भी जो है वो जताया गया है, जिसका जो प्रतिशत जो जिसका से जो किलोमीटर है 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाओं का झोंका जो है वो आ सकता है, जिसमें सभी को जो है अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जो 3500 फीट की जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि ये माना जा सकता है कि जो चारधाम वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगा और कई जगहों पर ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही तेज हवाओं के आने की जो है वो आशंका ज्यादातर जताई गई है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा के लिए जो यात्री आ रहे हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि वह वेदरकास्ट देखकर जो है वो चारधाम की यात्रा करें, और ज्यादा से संभव हो तो जब वेदरकास्ट ठीक हो जाए यानी कि मौसम जब साफ हो जाए उसके बाद ही चारधाम की यात्रा करें। हालांकि अभी केदारनाथ की यात्रा जो है वो 25 तारीख तक जो है उसको रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो अन्य जो 3 धाम है वहाँ पर यात्रा यथावत चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग का ये मानना है कि जिस प्रकार से जो बारिश बर्फबारी लगातार हो रही है और तेज हवाओं को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर संभल कर रहने की जो है जरूरत है। ऐसे में आपदा प्रबंधन टीम को भी, इसीलिए चारधाम यात्रियों से खासा अपील यहाँ पर कि आप मौसम की जानकारी लेने के बाद ही उत्तराखंड का रुख करें। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।